वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. गुड मॉर्निंग निशान. एम आई ऑडिबल टू यू? एक बार मुझे बता दो कि आपको मेरी आवाज आ रही है सही तरीके से? यस सर. तो मैं आपके साथ वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ. आई होप जो मैं कुछ पढ़ाता हूँ, जितना भी आपको पढ़ाता हूँ, आप साथ साथ में अपनी कॉपीज को मेंटेन कर रहे होंगे. सीएमएस वाले, आप दोनों तरफ से अपना कंप्लीट कर रहे होंगे कॉपीज को, ठीक है? जो अभी तक नहीं बना रहा अपनी कॉपी, अपनी कॉपी को साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा आपके लिए, फिर आप उन कॉपीज को मेंटेन नहीं कर पाओगे. अगर आप सोच रहे हो हम पीडीएफ फाइल से पढ़ लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है लास्ट टाइम पे, ठीक है? इतनी पीडीएफ फाइल से आप नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको हार्ड कॉपी जो है आपके पास होनी चाहिए पढ़ने के लिए. फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं. तो कल हमने ये सब देख लिया था, राइट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज. फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ा था, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. और लास्ट में दो प्रॉपर्टीज बच गई थी, तो मैंने उनको लास्ट में डिस्कस किया था. मे बी लास्ट में कुछ बच्चे जो हैं वो चले गए होंगे, तो एक बार मैं वापिस से रिपीट कर देता हूँ इन दोनों प्रॉपर्टीज को, जिन्होंने इनको इन लास्ट का टाइम पे अटेंड नहीं की थी क्लास. तो देखिए, सेवन प्रॉपर्टी हमारे पास जो बची थी वो क्या थी? डाइइलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करती हैं? डिनोट करती हैं स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा. मतलब क्या? मैंने आपको जस्ट कल बताया था कि ये आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर से क्या निकलती है, ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं. बाहर की तरफ से क्यों निकलती हैं, ये मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, राइट? अब देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, पहली बात. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत ज्यादा डेंस होगी, मीन्स एक दूसरे के पास है, क्लोजली पैक्ड है, तो ये क्या डिनोट करिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत ज्यादा क्या है, डेंस्ड नहीं है, पैक्ड नहीं है, स्कैटर्ड है, तो मैं क्या कहूंगा, आपकी जो आपका फील्ड है, कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि वीक है. क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, अगर आपकी ये स्ट्रॉन्गली क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बताता है हमें, डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, तो एंड वाइस वर्सा, मीन्स इसका उल्टा भी सही है. ये तो पता ही आपको, ये कैसी लाइन्स होती हैं, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, और इनका इफेक्ट क्या होता है, रियल होता है. चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं हम. ओके, आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, सेम जैसे हमने ग्रेविटेशनल आपका ग्रेविटेशन चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था, वहां भी इसी तरह से हम पढ़ते थे. वहां पे क्या होता था, पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था. ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल आपकी फील्ड इंटेंसिटी होगी. सेम यहाँ पे करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं. आगे जाके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, जैसे वहां पे पढ़ा था. तो जिन्होंने वो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर 11th में पढ़ा था अच्छे से, उनको अच्छे से समझ आ रही होगी. चलिए देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी समझ आएगी अगर ध्यान से सुनेंगे तो, क्योंकि तो मैं तो बिल्कुल डिटेल में वापिस से करवा रहा हूँ. देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कोई एक पॉइंट के ऊपर क्या करनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है. जैसे चार्ज था, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकली है, मीन्स इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. मैंने कल बताया था ना, कोई भी चार्ज चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो उसके अराउंड क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. उसके अंदर आपको कहीं भी क्या फाइंड करनी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो ऐसा थोड़ा ना कि पूरे की पूरी स्पेस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना शुरू कर दोगे, कोई एक पॉइंट के ऊपर करोगे ना, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इस चार्ज के कारण हम वो डिस्कस करेंगे. तो क्या होती है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं. देखो सिंपल सी बात है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मान लीजिए इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. जिसने कल लेक्चर अटेंड किया होगा उसको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिस स्पेस अराउंड द चार्ज विद इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. आगे अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो जब मैं इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ फाइंड करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट के ऊपर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसकी, इस चार्ज की. क्लियर होगी बात?
अब यहाँ पे मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी इस पॉइंट के ऊपर, जब एक पॉइंट के ऊपर हमें कोई भी चीज फाइंड करनी हो चार्ज की, चाहे वो उसका पोटेंशियल है, चाहे उसकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, कुछ भी फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ पे एक चार्ज रखना पड़ता है। कौन सा चार्ज रखना पड़ता है, याद करो कल बताया था मैंने, टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। क्या होता है टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, ये मासलेस होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी टेस्ट चार्ज की, कई बार हम इनको बोल देते हैं यूनिट चार्ज। क्या बोल देते हैं इसको? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज क्यों? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? कैपिटल ई के साथ डिनोट करते हैं। याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। इसके ऊपर किसका साइन आएगा? एरो। ऐसे एरो लगा दो, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी बता रहा है ये। अच्छा, मैंने आपको है ना 11th से, जब जो बच्चे मेरे से 11th में पढ़े हुए हैं उनको मैं ना बताते आ रहा हूं हमेशा, अगर कोई भी ये एक मेरे पास, अगर देखिए ये मेरे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर मैं स्केलर से डिवाइड कर दूं तब भी मुझे क्वांटिटी कौन सी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। या मैं यूं कहूं एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं मैं एक स्केलर क्वांटिटी के साथ तब भी मुझे कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, है ना। और भी बड़ी सारी कंडीशंस होती हैं। यहां पे क्यों बताया? देखिए यहां पे इसलिए बताया, मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो बनती है इसकी, वो क्या है? देखिए ये एक चार्ज था, इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या फाइंड करनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, जहां पे मैंने क्या रख दिया? टेस्ट चार्ज रख दिया। क्लियर है? अब यहां पे क्या कहता है, ये जो टेस्ट चार्ज है कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव है चाहे वो रिपल्सिव है, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, ये जो टेस्ट चार्ज है कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने क्या बोला? ये जो चार्ज है कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस चार्ज के कारण, उसे हम क्या बोलते हैं? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो मैथमेटिकल इस चीज को मैं कैसे लिखता हूं? मैथमेटिकली मैं लिखूंगा इफ एफ इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। एफ क्या है आपकी? कैपिटल एफ क्या है आपकी? फोर्स लग रही है किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर, यानी कि क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, जो कहां रखा गया है? डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे रखा गया है। किससे? ये आपका एक चार्ज है, कौन सा चार्ज? क्यू चार्ज मान लीजिए। और मुझे इस पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहां से जहां तक डिस्टेंस मान लीजिए कितना है? आर है। यहां पे कौन सा चार्ज आता है? टेस्ट चार्ज है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज, कैसे दी जाती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। कौन सा चार्ज आपका बताओ मुझे, कौन सा चार्ज है आपका? टेस्ट चार्ज। तो यहां पे क्या हो जाएगा? E equals to F upon Q, जहां पे आप इसके पॉइंट के नीचे नॉट भी लगा सकते हो। तो यहां पे एक चीज देख रहे हो, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है आपकी? वेक्टर। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो वेक्टर अपॉन स्केलर आपको क्या मिलना चाहिए था? वेक्टर क्वांटिटी मिलनी चाहिए थी। आप देख रहे हो यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कैसी क्वांटिटी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या? इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। क्या तुम लोग मुझे इसका यूनिट बता सकते हो? आप लोग भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन कूलम इनवर्ट हो जाएगा इसका यूनिट। किसी को कोई डाउट है यहां तक जो मैंने समझा दिया? Anybody have any doubt? कौन कौन जुड़ा हुआ है आज? आकाश, any doubt? महक, संदीप, पुनीता, पुनीता आई आज? पुनीता नहीं आई है? ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला तो बताना भूल ही गए हम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। धीरे धीरे मैं इन चीजों को डिराइव कराना बंद करवा दूंगा, क्योंकि 11th से पढ़ाता आ रहा हूँ, जो 11th से मेरे से पढ़ के आ रहे हैं उनको तो आना ही चाहिए जो ड्राइव करना। तो देखिए सिंपल सी बात है, फोर्स अपॉन क्या है? चार्ज। फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है? m1 l1 t-2। और चार्ज का मैंने बताया हुआ क्या होता है? ए टी। चार्ज क्या क्या होता है? ए टी। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? m1 l1 t-2, ए टी ऊपर चला जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा? ए इनवर्स टी इनवर्स। तो टी इज बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड, जहां टी इनवर्स 1 है और टी इनवर्स 2 है। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? m1 l1 t-3 a-1। ये आपका क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है उसको हम ड्राइव करेंगे। सिंपल सा है, बिल्कुल इजी सा। देखिए मैं एक बार यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई चार्ज है, ठीक है, ये आपका कोई एक चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है Q1, या Q मान लीजिए कि कौन सा चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है Q। क्लियर है बात। अब यहां पे एक मैं टेस्ट चार्ज मान लेता हूं, कौन सा चार्ज मान लेता हूं, टेस्ट चार्ज मान लेता हूं, कहां पे, यहां पे। अगर टेस्ट चार्ज मानना तो ये क्या होगा आपका Q0 होगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी मान लेते हैं, कितना डिस्टेंस मान लेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे R। तो बिल्कुल सेंटर से है ना, डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं, ज्यादातर सेंटर से लेते हैं। तो डिस्टेंस इसके दोनों के बीच में कितना है आपका, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितना है आपका आर है। क्लियर होगी बात। तो यहां पे ये लिखा है, कंसीडर कर लो एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड अनदर चार्ज कौन सा क्यू नॉट, प्लेस दैट ए डिस्टेंस कितने आर पे, देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों पॉजिटिव चार्जेस दोनों के बीच में रिपल्शन की फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक देंगे। और कूलम्स लॉ क्या कहता है, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का ध्यान रखना। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यू सारी पुट करते हैं, क्या देखने को मिलता है देखते हैं। तो एफ इक्वल्स टू के Q1 कितना है आपका Q, Q2 कितना है आपका Q0, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा R स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात की नहीं हो रही है। अब देखिए ये तो आ गई हमारे पास फोर्स, हमें फाइंड क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्टेटमेंट के मुताबिक भाई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। और ये इक्वेशन मान लीजिए आपकी कौन सी है, फर्स्ट है, काफी सारे स्टूडेंट्स को तो पता भी चल गया होगा हमें क्या करना है। तो ये इक्वेशन कौन सी आपकी, फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप एफ की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है क्यू नॉट। अब ध्यान से देखो, ये Q0 और ये Q0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहां पे ही आपको करवा रहा हूं, यहीं पे नेक्स्ट अप कर देता हूं, है ना। तो ये लीजिए, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, E इक्वल्स टू, E कितना आ जाएगा आपका, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, सिर्फ K Q अपॉन R स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास K Q अपॉन R स्क्वायर। आपको मेरी आवाज वगैरह आ रही है, सभी को स्क्रीन दिख रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और K की वैल्यू सभी को पता है, K कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं, देखिए K कितना होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, K का वैल्यू लिख दी और नीचे क्या आएगा K Q अपॉन R स्क्वायर, ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया अभी, एम आई ऑडिबल टू यू, एक बार मुझे बता दो। ओके फाइन, तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे वो क्या है, अगर आपका मीन्स ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैसी मिलेगी, नेगेटिव। क्लियर हो रही है बात। पॉजिटिव का मतलब आने का मतलब क्या, चलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है मैं बाद में बताऊंगा आपको। मैंने जो पीडीएफ सेंड की थी ना, एक बार सुन लो, आपको मैंने जो पीडीएफ सेंड किया ना उस पर एक बार अच्छे से देखना, जब उस पीडीएफ को देखोगे ना तो मैंने उसमें एक पॉइंट बताया हुआ है, जिन्होंने सिर्फ जूम ऐप पे लेक्चर अटेंड किया हुआ है, जिन्होंने यूट्यूब पे किया उनको तो पता होगा, जिन्होंने सिर्फ जूम ऐप पे किया, एक चीज मैं बताना उस टाइम भूल गया था,
वहां पे एक कॉन्सेप्ट था आपका, फोर्स पॉजिटिव आए तो क्या मतलब होता है, फोर्स नेगेटिव आए तो क्या मतलब होता है, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है, तो आपने वहां पे जाना है कुलम्स लॉ वाले टॉपिक्स अच्छे से देखना पीडीएफ में, वहां पे मैंने लिख दिया आपके लिए। तो थोड़ा सा जिस दिन मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ इन सभी के बातों को मैं एक बार फिर से कंक्लूड करूंगा, तब भी मैं वापस आपको बता दूंगा। तो एक बार पीडीएफ मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देख लेना, वहां पे मैंने जहाँ पे बताया, वहां पे बताया हुआ है अगर फोर्स पॉजिटिव आती है तो क्या मतलब है, नेगेटिव आती है क्या मतलब है, इसका रीजन भी होता है ऐसा क्यों होता है, तो वो मैं वापस आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूंगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास फार्मूला आ जाता है, इसको हम क्या लिखते हैं, के क्यू अपन आर स्क्वायर भी लिखते हैं, या 1/4πε0 इंटू के क्यू अपन आर स्क्वायर लिखेंगे। यूनिट क्या होता है वो पता चल चुका है आपको, डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है वो भी पता चल चुका है, क्वांटिटी कौन सी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, देखिए जब भी आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने देखो डायग्राम बनाई हुई है आपके लिए, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे मान लीजिए आपका एक चार्ज है कौन सा प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज है आपका माइनस क्यू, ठीक। चलो मैं इसको नीचे की तरफ लिखता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे आपका दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 2L, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2L, और ये जो चार्ज है ये मान लीजिए कितना है प्लस क्यू है, और ये जो चार्ज है कितना है माइनस क्यू है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए प्लस टू कूलम चार्ज है और ये कितना है आपका माइनस टू कूलम चार्ज, क्लियर हो रही है बात। तो यहां से हमारी स्टेटमेंट बनने वाली है जिसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब दो, आपने एक चीज नोटिस की इस चार्ज का और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपका क्या है सेम है। तो जब हम क्या करते हैं दो इक्वल, दो कैसे इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट क्यों, क्योंकि दोनों का देखो साइन कैसे लगे हुए हैं ऑपोजिट लगे हुए हैं, एक लाइक, दोनों चार्जेस कैसे अनलाइक है ना, एक पॉजिटिव दूसरा कैसा आपका नेगेटिव। तो मैं क्या बोल रहा हूँ जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेट किए जाते हैं स्मॉल डिस्टेंस से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है आपका। तो जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेट किए जाते हैं स्मॉल डिस्टेंस से, तो जो हमें देखने को मिलता है वो हमें क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखने को मिलता है। क्लियर हुई बात की नहीं हुई, तो एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका क्या हो गया HCl, क्या हो गया आपका HCl, HCl को अगर मैं प्रॉपरली बनाऊं तो HCl बना गया कैसे होता है, ये होता है आपका एक किस्म का कैटाइन और ये होता है आपका एनाइन, है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में इनके बीच में क्या होता है बॉन्ड होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में क्या है बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो आपकी आंखें देख भी नहीं सकती, इतना छोटा डिस्टेंस होता है। सोच सकते हो ना आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा नहीं कि एक चार्ज यहाँ एक यहाँ पे, तो आपने बोल दिया ये मेरे लिए छोटा डिस्टेंस, ऐसा नहीं, अपने हिसाब से नहीं, बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस होना चाहिए। देख रहे हो HCl की बात कर रहा हूँ, और HCl के बीच में कितना H और Cl के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल डिस्टेंस बोल रहे हैं, बहुत छोटा होता है ये, तो इसको हम बोल लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे क्या हुआ, इधर भी कैसा चार्ज था आपका, ध्यान से देखना, इधर भी वन और इधर भी कितना वन, ये कैसा पॉजिटिव ये कैसा नेगेटिव, दोनों को सेपरेट कैसे किया हुआ है स्मॉल डिस्टेंस से किया हुआ है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। सेम वाटर की एग्जांपल है, वाटर की अगर आपके स्ट्रक्चर आपको पता है अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना, रफली अगर बनाऊ तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है आपका वाटर का, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, इन दो इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है माइनस टू, अगर आप ध्यान से देखो इसका भी प्लस और इसका भी प्लस, तो टोटल कितना हो गया प्लस टू हो गया, और इधर कितना है माइनस टू, तो सेपरेट भी किया गया है ना एक छोटे से डिस्टेंस से, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में छोटा सा डिस्टेंस है। तो ऐसा जब भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेट किए जाते हैं स्मॉल डिस्टेंस से,
तो वो हम वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। ये सारी आपके एग्जाम्पल्स हैं किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, when two equal and opposite charges are separated by small distance is known as electric dipole. अब इसी के आगे एक टर्म देखने को मिलती है हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है आपकी, ये फिजिकल क्वांटिटी जो यूज की जाती है क्या करने के लिए, मेयर करने के लिए। किसको मेयर करना है हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को। किसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना हमें, इलेक्ट्रिक। भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आ गया, उसके बाद कुछ स्ट्रेंथ भी होगी, उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई क्वांटिटी होनी चाहिए जिसकी मदद से हम उसको मेजर कर सकें। तो वो क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? अच्छा, अब यहाँ पे इसकी, इसको डिनोट किसके साथ किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। किसके साथ हम डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल पी के साथ करते हैं। ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूं, वेक्टर का साइन लगा सकता हूं, यानी कि एरो का साइन लगा सकता हूं। क्लियर हो रही होगी बात, उम्मीद करता हूं। फाइन, अब देखिए इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है, यहां पे लिखी नहीं हुई है, मैं आपके लिए डिक्टेट कर लेता हूं, कर देता हूं, आपने लिख लेनी है, अदरवाइज मैं यहां पे लिख ही देता हूं। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखिए क्या होती है, एक बार पेन का साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर लूं मैं। ओके, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इधर ऊपर ही लिख रहा हूं मैं। फाइन, तो ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैथमेटिकली कैसे इसको स्टेट करेंगे, मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, आपको कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव चार्ज लेना है प्लस क्यू लें कि माइनस क्यू लें, ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तभी बनता है जब दो चार्जेस जिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, बस नेचर कैसा होता है, ऑपोजिट होता है, उनको सेपरेट किया था हमने स्मॉल डिस्टेंस से। तो हम डाइपोल मोमेंट हमें क्या कब कैसे मिलता है, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। किसका प्रोडक्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस कितना लिया हुआ है, 2L लिया हुआ है, तो आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट कर देना है चार्ज को किसके साथ, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2L है, तो ये आपके पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपका डायमंड मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये जो फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने जस्ट आपको बताया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। ये 2L क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। मैंने पहले भी बताया था आपको, क्या बताया था, कूलम्ब को कैसे, कूलम्ब का सिंबल कैसे आएगा, कैपिटल, तो ये स्मॉल सी एम मत लिख देना, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, गलत, सही क्या है, कैपिटल सी, सही क्या आपका, कैपिटल सी एंड स्मॉल एम, स्मॉल एम का मतलब मीटर एंड कैपिटल एम का मतलब आपका क्या, कूलम्ब। क्लियर हो रही होगी बात, है ना, तो ये आपका सही तरीका है यूनिट को लिखने का। डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो, कैसे कैसे आएगा, जब डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एटी, और इसका क्या होता है, लेंथ का यानी कि डिस्टेंस का, एल होगा, इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, एल ए टी। अगर आपको मास भी लिखना है तो एम जीरो हो जाएगा, टी भी लिखना है, टी कितना है आपका, वन है, ए भी है, एल भी है, तो इस तरह से आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अगर सिंपल में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, लैट, एल ए टी। क्लियर होगी बात सभी को, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी डायरेक्शन एक नेगेटिव, इसकी देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे बात आपको बतानी है, वो देखिए, हाँ जी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहां से कहां थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में होती है, जो कि कैसी होती है,
नेगेटिव टू पॉजिटिव, किस तरफ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो ये P की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। क्लियर हो गई बात? ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, आगे इसको एक जगह पे हमने यूज भी करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तो मैंने आपको पता ना रीजन भी बताया था, कैसे पॉजिटिव से हमेशा निकलती है और नेगेटिव में जाती है, पॉजिटिव से क्यों निकलती है वो सब मैंने बताया था, नेगेटिव में क्यों अंदर जाती है वो भी बताया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, बिल्कुल उसके उल्टे। क्लियर होगी बात? तो वहां पे आपके लिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि डायरेक्शन कैसी होती है इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो सारी चीजें आपस में इंटरलेट करती हुई आपको चलना है। तो हमारे पास अभी टाइम कितना बचा हुआ है, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? 10 मिनट है। एम आई ऑडिबल टू यू? ऐसा तो नहीं है मैं खुद को ही पढ़ाई जा रहा हूँ। पीयूष निंदिया, ओके क्लियर है, ठीक है, यस सर, आवाज आ रही है, फाइन। निशान आ रही है, ओके फाइन, ठीक है। रणदीप, आपको समझ आ रही है? वंशिका, वंशिका, मुस्कान, मुस्कान हंस, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है क्या नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ओके फाइन, हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होता है वो तो आपने देख लिया है ना, कल भी डिस्कस किया था, आज भी मैंने रिपीट कर दिया आपके लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बीच में, एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, है ना, जैसे आपके स्कूल में यूनिफॉर्म लगी हुई है, एक जैसे कपड़े पहनते हो आप। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा नहीं है, डिफरेंट होगी वैल्यूज। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एवरीवेयर इन द गिवन स्पेस देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे, हर पॉइंट के ऊपर स्पेस में उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहती है, वैसे आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एंड इफ आइदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ क्या हो उसकी, चेंज हो, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट स्पेसिफाइड स्पेस, है ना, यहाँ पे कोई टर्म मिस आई थिंक। एंड इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज, है ना, क्या हो वो, चेंज हो, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। हाँ ये जो क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ठीक। आपका ये चेंज होना चाहिए, क्या, नॉन यूनिफॉर्म बनने के लिए, अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो आपका जहां तो मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो, उस केस में वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। थोड़ा सा इसको मैं ना एलेबोरेट करता हूं, इस तरफ रख रहा हूं मैं किसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस तरफ रख रहा हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये दो आ गए हमारे पास, इनको हमने यूज करना है बार बार, ठीक है। मैंने एक बार ध्यान से सुन लो, ये जहां पे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, सेम एक और चैप्टर आपका आएगा मैग्नेटिक वाला, यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम क्या, जहां सिंपल बोले तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ी वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पढ़ेंगे, जैसे हमें यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा वहां पे हम मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे आगे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे, और भी आगे आने वाले टॉपिक
सेम वहां पे टैली करेंगे, और कुछ टॉपिक मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि डिक्टो उसके जैसे वो टॉपिक्स होंगे, बस सिर्फ नेम चेंज होगा वहां पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ वाला ये वाला चैप्टर जो अच्छे से पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर को मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाता हूँ। सब कुछ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, फिर वो वाला चैप्टर के जो टॉपिक आने वाले हैं वो आपके लिए क्लियर होंगे ऑटोमेटिकली। मैं सिर्फ आपको बता दूंगा आपने ऐसे ऐसे करना है, तो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे अगर आपने यहाँ पे समझा होगा तो अच्छे से, नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी क्रैमिंग वाली, मेरा समझाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। चलिए तो क्या बता रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पहली लाइन तो मैंने पहले ही समझा दी कि देखिए यहाँ पे ये आपका कंडक्टर है और यहाँ पे एक दो कंडक्टर पड़े हुए हैं, इधर भी, इधर क्या है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या है आपका, ये नेगेटिव चार्ज है। इधर क्या है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है आपका, ये नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से जाती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से ऐसे ही जाती है ना। अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपकी पैरेलल होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, किसके बीच में, इन दो कंडक्टर्स के बीच में, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल हो एक दूसरे के, तो समझ जाना ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, इसकी पिक्चर की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कुछ इस तरह से होती है। कैसे होगी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनानी है ऐसे करके, स्ट्रेट लाइन्स है ना, एरो रेस बनानी है बेसिकली, और ये सारी रेस जो होंगी ये कैसे होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो जब आप ऐसे करके लाइन्स बना दोगे, आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। ये पिक्चर देख के ही बंदे को समझ आ जाएगा, जो फिजिक्स का स्टूडेंट होगा उसको समझ आ जाएगा कि ये किस, अगले वाले ने क्या बनाया हुआ, अगले ने क्या बनाया हुआ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। अगर ये ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या हो गया समीर, अगर ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये पैरेलल नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी चल रही है, दूसरी ऐसी है, तीसरी ऐसी है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पैरेलल नहीं है, तो मीन्स ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मीन्स आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी, इसको हम ये यूज करना है, इसलिए मैंने ये आपको बताया, मेरा मोटिव ज्यादा ज्यादा ये बताना था, क्योंकि जब भी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की आगे जाके जरूरत पड़नी है, तो आपने ऐसे करके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है। जब ये आप ऐसे करके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने कौन सा फील्ड बनाया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। क्लियर हो रही होगी बात। और ऊपर हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्पेस में, आपके स्पेस में इस फील्ड, ये जो आपका यूनिफॉर्म फील्ड की जब हम बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में चल रही होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, यूनिफॉर्म। अगर ऐसा नहीं है, इसके उल्टा हो जाता है, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको देखो क्या सिखाया, आपका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टर, आप इनको लिख सकते हो जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टर, दो कंडक्टर के बीच में वेरी नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टर डू नॉट वेरी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म की बात करनी हो तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बिटवीन टू कंडक्टर वेरी, क्या करेगा, चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन दिस केस क्या होती हैं आपकी, पैरेलल होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन दिस केस आर नॉट पैरेलल। तीसरी आपकी क्या आ जाएगी, ये डायग्राम आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये, सबसे अगर डिफरेंस लिखना होगा दोनों के बीच में, तो ये पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी, क्या, ये वाली, तो पहला पॉइंट आपका ये बनता है, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये बनता है जो मैंने जस्ट समझाया। सेकंड पॉइंट ये बन जाएगा, इधर वाला ये बन जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका ये पैरेलल होती हैं, यहाँ इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल नहीं होती हैं। फोर्थ आपकी क्या आ जाएगी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, कौन सी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पिक्चर की फॉर्म है, देखने में कैसी है जी,
है ना, इसका फोटो कैसा है देखने में। तो ये आ जाता है इसके सारे डिफरेंस किसके बीच में, आपके यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जितने भी आने वाले टॉपिक्स हैं एग्जाम में 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके जेके बोर्ड में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करने हैं, जिन्होंने नहीं देखे उनको भी बताओ। तो आगे जितने भी टॉपिक आने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, हाँ जी, किसी का मैसेज आया है, थैंक्स सर फॉर द क्लास, ओके फाइन। निशान तो क्लास खत्म ही नहीं होने देता, पहले थैंक यू बोल देता है। चलिए, आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अगर डाउट है तो पूछ सकता है किसी को, अगर कोई डाउट है तो। कल मैं तुम लोगों को, अगर हमारा टॉपिक कल जल्दी खत्म हो गया तो कल मैं तुम लोगों को बताऊंगा, एक चैप्टर आपने पैरेलल शुरू करना है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो कैसे करना है मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा कल के लेक्चर में। उस लेक्चर ऐसे तो वो, अगर आप, मैं जो आपके साथ लिंक शेयर करूंगा वहां पे आई थिंक 14-15 लेक्चर्स होंगे, 20 मिनट का, 30 मिनट का, 15 मिनट का, है ना। तो ऐसे लेक्चर्स होते होंगे वहां पे, 25 मिनट का भी होगा। तो आपने सारे एक दिन में खत्म नहीं करने या एक हफ्ते में खत्म नहीं करने, उसको धीरे धीरे मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे देखना है। उनको जब आप देख लोगे तो यहाँ पे मैं जूम में आपको उनको सिर्फ रिवाइज करवाऊंगा आपको नोट्स की मदद से डायरेक्टली। तो रिविजन मीन्स, अगर आपने उन लेक्चर्स को, अगर 14 लेक्चर्स आपने देखे हैं तो उन 14 लेक्चर्स को मैं 3 दिन में यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा आपको, जिससे आपका क्या होगा, वो आसानी से आपका चैप्टर भी जल्दी खत्म हो जाएगा, सिलेबस हमारा जल्दी कवर हो जाएगा। तो वहां पे जो मैंने, क्योंकि वहां पे जो मैंने पढ़ाया हुआ है ना रिकॉर्डेड में, वो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ना, बहुत मीन्स एक एक चीज को मैंने समझाया हुआ है, समझाने पे ज्यादा फोकस रखा हुआ है। तो वहां से आप कवर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर किसी को डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं निशान, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मीटिंग को छोड़ सकता है। इस लेक्चर को मैं फिर यहीं तक खत्म करूंगा, है ना, आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो ही और शी कैन ऑफ।